बिस्मिल्लाह सलाम अला रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ की केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने आज इनकी जो है ना क्या करनी है, डेफिनेशंस करनी है। ट्रेंड जो है ना हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे, आज हम इन तीनों के ट्रेंड नहीं करेंगे क्योंकि तीनों का जो ट्रेंड है वो सिमिलर है, तो एक ही के करें, एक ही करेंगे ताकि तीनों के लिए क्या हो जाए वो आ जाए। तो अब हमारे पास पहले क्या आ गई, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले हम देखना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, रिक्वायर्ड है टू रिमूव किसको रिमूव करना है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। कहां से रिमूव करना है और कौन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये मोस्ट लूजली बाउंड होगा, तो रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या है, रिक्वायर्ड किसके लिए है, टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से, वैलेंस शेल से ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। किसी भी एटम में से उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ये जो एनर्जी होगी इसको हम लेंगे किलो जोल पर मोल, किलो जोल पर मोल। अब मोल का मतलब क्या है कि एक एटम की नहीं, मोल तो होता है 6.02×10^23 पार्टिकल्स। रिमूव करना है हमने इलेक्ट्रॉन को किसके, वैलेंस शेल के, जिसके ऊपर सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। शर्त यह है कि वो एटम कौन सी स्टेट में हो, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब किसी से बांड ना बनाया हुआ हो। अब गैसीय स्टेट भी होनी चाहिए, उसके लिक्विड और सॉलिड स्टेट नहीं होनी चाहिए। दूसरा उसने किसी के साथ बांड ना बनाया, बिल्कुल अकेला हो। तो उन एटम में से हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। उस रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी के साथ ही हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि यहां अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहां रिक्वायर है लेकिन यहां क्या होगी, रिलीज्ड। यहां क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब दोनों को इकट्ठा करें, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, रिक्वायर है, हमें जरूरी है, हमने इस्तेमाल करनी है। क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए
ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो मोस्ट लूजली बाउंड हो, कहाँ से, वैलेंस शेल से, और एटम कौन सा होना चाहिए, आइसोलेटेड, अलहदा, किसी से बांड ना बना हुआ और गैसीय स्टेट में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब होता है वैसे तो लव, यानी कि मोहब्बत, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इसके अंदर, निकल जाएगी। जब हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के अंदर जो आइसोलेटेड गैसीय एटम होगा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब निकालना होगा तो हमारे हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, रिक्वायर होगी। तो ये जो एनर्जी होगी यहाँ भी किस में होगी, किलो जोल पर मोल। अब इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब क्या है कि हमारे पास एक एटम है, किसका भला, सोडियम का। इस सोडियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करना है, रिमूव करना है, और ये बन जाएगा कौन सा आयन, सोडियम आयन। इसका मतलब वो ये हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी से कौन सा आयन बन रहा है, कैट आयन बन रहा है, कैट आयन पॉजिटिव आयन। और हमें जो एनर्जी चाहिए होगी ऐसा करने के लिए, किसको निकालने के लिए, वो एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, वो होगी प्लस 496 किलो जोल पर मोल। यानी कि एक मोल एटम्स, एक एटम की नहीं है ये, 496 किलो जोल पर मोल जो है ये बता रही है कि एक एटम की नहीं हम कर रहे, हम एक मोल एटम की कर रहे हैं। एक मोल के अंदर कितने एटम होंगे, 6.02 10^23 एवोगैड्रो नंबर जो आपको मालूम है। अब इतने एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो कितनी होगी, 496 किलो जोल पर मोल। अब इसके अंदर किसका निशान आ रहा है, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमें एनर्जी क्या है, ये रिक्वायर है। अब हम अगर देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला ये वैलेंस शेल का निकाला है, देखना इसके अंदर वैलेंस शेल में हमने ऐड करना है, इसका वैलेंस शेल का हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो अब क्या है कि हमारे पास ग्रुप नंबर वन पीरियोडिक टेबल का, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वन। ग्रुप टू में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, टू। और ग्रुप नंबर थ्री में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या थर्टीन में कितने होंगे, वो होंगे थ्री। अब तीन तक इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो इसका मतलब यहां तक क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, वो हम कहेंगे कि यहां पर एड हो। ग्रुप वन में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप वन कौन सा था, हमने पिछली दफा पढ़ा है, कौन कौन सा आता है इसमें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लॉस करना, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को हम क्या करेंगे, अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो पहली हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसके अंदर सर पहले इलेक्ट्रॉन से पहले क्या लगाएं, फर्स्ट लगाएं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैसे बोला, वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये हमारे पास कहलाएगी कौन सी एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो ग्रुप टू है इसके अंदर क्या है कि इसके पास हैं दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे तो उसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो होगी हमारे पास कौन सी एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कहलाएगी हमारे पास कौन सी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है। इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए हम समझ लेते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन 12 होंगे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, दूसरे शेल में कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, और आखिरी शेल के अंदर कितने होंगे, आखिरी शेल में दो होंगे इलेक्ट्रॉन। अब ये है कि यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करेंगे
उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि रिमूवर यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ये हमारे पास कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नीशियम आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से प्रोटॉन 12 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, जिसकी वजह से ये जो साइज है ना एटम का ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने की वजह से क्या होगा जी, अब इसके पास आगे 12 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पहले शैल में कितने आएंगे 2 और दूसरे शैल में कितने आएंगे 8। अब इसके पास क्या आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन बाकी, लेकिन इस पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। तो ये क्या था, ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बन गया मैग्नीशियम आयन। अब क्या है कि ये इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक इलेक्ट्रॉन ये भी रिमूव होगा तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, इसका मतलब अभी रिएक्शन दोबारा फिर चलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो है 738 किलो जूल पर मोल। और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसका, तो इसमें क्या होगा कि ये 12 हमारे पास क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन है, पहले शैल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, दूसरे शैल में कितने हैं 8 और लास्ट शैल में कितने हैं 1, ये पॉजिटिव आयन होगा। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारे पास, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। अब एटम में से नहीं निकाल रहे, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं, वो तो पॉजिटिव आयन से निकाल रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड कौन सी एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब हम इसको निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा, अब मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा 2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम इसकी शेप बनाएं तो वो कैसे बनेगी, कि वो हमारे पास ये आ जाएगा 12 तो 12 इसके पास प्रोटॉन है, पहले शैल के अंदर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शैल के अंदर क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि ये अब क्या बन गया, ये बन गया मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन फिर लॉस हुआ तो मैग्नीशियम आयन। अब हमें जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन था उसको निकालने के लिए, जो हम इसको चले जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है इसको हमने ब्लैक कर देते हैं, इधर ही ब्लैक कर देते हैं। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी वो पहले से दुगनी होगी तकरीबन, तो ये कितनी है वाला, ये है 1450 डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज जो है प्लस 1450 यानी 1450 किलो जोल पर मोल। तो इसका मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से ग्रुप 3 जो होगा, जैसे एल्यूमिनियम है तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में 3, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सी एनर्जी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना इससे ग्रेटर कौन सी होगी, सेकंड, और सेकंड से ग्रेटर कौन सी होगी, वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो अब क्यों हो रही है, तो ये आप मैग्नीशियम वाला जो है ये पेज नंबर 141 आपका जो चैप्टर नंबर 8 है इसका 141 जो पेज है उसके ऊपर ये मैग्नीशियम की एग्जांपल मौजूद है, ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास काम आ गई है समझाने के लिए। तो पेज 141 के ऊपर ये एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है उसको अब क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उसके पॉजिटिव आयन में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब इसमें ये एनर्जी बड़ी क्यों है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो साइज है वो क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ने की वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जिसके अंदर हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो हमारे पास होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालें वैलेंस शेल से लेकिन एटम में से नहीं, यूनि पॉजिटिव आयन में से। तीसरा हमारे पास जो है जो 13 ग्रुप है उसके अंदर तीन तरह की आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड हम इंशाल्लाह जो अगला होगा ना लेक्चर उसमें करेंगे। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थी रिक्वायर रिलीज होती है जब हम कोई एटम इसमें अंदर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन। ये कौन सा आयन बन गया, नेगेटिव आयन। और ये कौन सा बना हुआ है, पॉजिटिव आयन। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी से पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बनता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से कौन सा बनेगा, वो ये बनेगा एनायन। एनायन किसे कहेंगे, नेगेटिव आयन। और इसके हमारे पास जो है वो एंथैल्पी चेंज या डेल्टा एच जो है हीट एनर्जी जो है वो कितनी होगी, ये होगी माइनस 328 किलो जोल पर मोल। तो पर मोल बता रहा है कि एक मोल फ्लोरीन एटम जो है एक मोल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे और एक मोल क्या बनाएंगे, फ्लोराइड आयन बनाएंगे। तो इसमें जो एनर्जी जो है रिलीज होगी बाहर निकलेगी वो 328 किलो जोल पर मोल होगी। ये जो नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का जो साइन है ये बता रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, ये रिलीज हो रही है। और यहाँ पॉजिटिव का जो साइन है ये बता रहा है कि एनर्जी जो है ये क्या है, यूज होगी यानी रिक्वायर है। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना ये क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट किसको भला, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्सेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूल है कौन सा है, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट कंपाउंड है। आयनी कंपाउंड का तो मॉलिक्यूल ही नहीं होता, तो मॉलिक्यूल किसका होगा, कोवलेंट कंपाउंड का होगा। और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड से। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि अगर एक बॉन्ड पेयर हमारे पास बनेगा तो हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर दो बॉन्ड पेयर बनते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीन बॉन्ड पेयर बनते हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है उसे हम शेयर पेयर कह रहे हैं। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कहेंगे। तो ये सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया है या इसको मैयर किया है वो है पॉलिंग, साइंटिस्ट का नाम है पॉलिंग। उसने क्या किया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर की 4 और बाकी 118 एलिमेंट जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साथ क्या करी की, कंपेयर की। जैसे हमने एलिमेंट एएमयू पढ़ा था वहां पे हमने क्या किया था कि C12 के साथ कंपेयर किया था बाकी तमाम एलिमेंट के मैसेज को। यहां पर उसने क्या किया है कि फ्लोरीन की उसने कहा कि 4 है तो सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। तो उस बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसके साथ फ्लोरीन के साथ क्या की गई है, कंपेयर करके निकाली गई है। तो अब देखें जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम में यहाँ पे ये क्या है, ये शेयर पेयर है। तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का। इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कह रहे हैं। तो अब ये जो तीन हमारे पास है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इनके जो ट्रेंड है ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे। उससे क्या होगा कि ये तीनों के ट्रेंड एक ही हैं,
तो हम एक दफ़ा करेंगे तीनों के हो जाएंगे, वो हम तीनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, तो इसको आप बुक से भी रीड करें, उनकी डेफिनेशन लाजमी याद करें।